नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बीनागंज से आई मां वैष्णो देवी पैदल यात्रा का गुना में हुआ जोरदार स्वागत। बीनागंज से 40 श्रद्धालु पैदल वैष्णो देवी के लिए निकले हैं। यह बीनागंज क्षेत्र की 12वीं पैदल यात्रा है। इस यात्रा का स्वागत पूर्व सरपंच रमेश रघुवंशी श्यामपुर वालों की ओर से रखा गया। वहीं सभी श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय भोजनालय पर भोजन कराने के बाद यात्रा वैष्णो देवी के लिए आगे प्रस्थान हुई। देखते रहिए केएनएन कड़वाहट न्यूज नेटवर्क गुना से उमेश राठौर की यह खास रिपोर्ट। देखेंगे शाम को चले चलेंगे। माँ वैष्णो देवी पहली यात्रा 1997 में हुई थी, फिर 2000 में हुई, 2006 में हुई, ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ते गया। बारी बार जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं आप? अब की बार 96 लोग, 46 लोग। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? बीनागंज से। बीनागंज से तो ये कब तक पहुँचेगी वहाँ तक? 70 दिन दर्शन कर लेते हमारे घर पर। तो आप लोगों को कोई रास्ते में परेशानी वगैरह कोई व्यवस्था है? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अभी आपका राष्ट्रीय भोजनालय पे स्वागत भी रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है? रमेश सरपंच साहब श्यामपुर वालों। अच्छा, क्या शुभ नाम क्या आपका? बलदेव सिंह।